अलाउड देट। कैसे हैं आप सब जी? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्लीचिंग क्रीम जो कि वेला की है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको एक दिन पहले मैं ट्राई कर चुकी हूँ और रिजल्ट्स इसके देख के मैं खुद हैरान हूँ। मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो उस पर काफ़ी रैशेज हो जाते हैं, बर्निंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो मेरी स्किन ज़्यादा देर तक किसी भी ब्लीच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ तक इसके रिजल्ट रहे हैं वो बहुत अमेजिंग रहे हैं। और ईद के लिए क्योंकि ब्लीचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम सब के मुँह पर फेशियल हेयर होते हैं और उनको कवर करना लाजमी होता है। बहुत सारी ब्लीच मैं यूज़ कर चुकी हूँ, फोर सीज़न की यूज़ की है, जेने की यूज़ की है, जॉलिन की यूज़ की है और VLCC की भी यूज़ की है, लेकिन उन सब में से अभी तक का जो इसका रिज़ल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, जेने मुझे पसंद थी लेकिन जेने का फिर रिज़ल्ट इतना अच्छा मुझे नहीं लगता था, और VLCC भी बहुत ज़बरदस्त थी लेकिन VLCC की ब्रांड आना अब यहाँ पर पाकिस्तान में बंद हो चुकी है। तो अब मेरे पास रह जाता था सिर्फ एक ही तरीका कि मैं वेला की यूज़ करके देखूँ। ये मुझे किसी ने रिकमेंड की थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ इसको शेयर कर। ब्लीच को बनाने के लिए हम इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा सूथिंग इफेक्ट दे, ज़्यादा जलन ना करे, ज़्यादा बर्निंग ना करे। लेकिन जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया तो मैंने विदाउट एनी इंग्रेडिएंट इसको यूज़ किया ताकि मैं देख सकूँ कि इसके रिजल्ट्स कितने प्रॉपर हैं, कितना ज़्यादा इसने मेरे बालों को डाई किया है। तो बिलीव मी कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन वेला की इस ब्लीच को मैंने 10 मिनट तक अप्लाई करके देखा। इतनी ये बेयरेबल है, आसानी से बर्दाश्त कर ली गई और रिजल्ट्स इसके वाकई बहुत अच्छे हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल करती हूँ ये मुझे मेरी एक फॉलो वाली आंटी ने बताया था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर जो कि मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। आपको इतनी ही क्वांटिटी में इसको ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ वेला की क्रीम। अब ब्लीच क्रीम आपको जितनी लेनी है वो आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। अगर आप 1 टेबलस्पून के लिहाज से लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेना है। एक छोटी सी प्लास्टिक बॉटल है और एक कैप है जो कि आसानी से खुल जाता है। अब यहाँ पर मैं इसका ले रही हूँ 1 टीस्पून फुल जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जो भी आप ब्लीच क्रीम यूज़ करें उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इसका पाउडर जिसका सिर्फ मैंने एक पिंच जो है वो उसमें ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसी की वजह से आपको बर्निंग हो जाती है। पहले तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं इसके रिजल्ट्स क्योंकि वो इंस्टेंट इफेक्ट तो दे देता है लेकिन बाद में वो आपको मज़ीद जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्शन को कम कर देता है। अब यहाँ ये आप देख रहे हैं कि मैं इसमें कितना ऐड कर रही हूँ। मैंने यह जहाँ से ख़रीदा है वहाँ पर इसका साशिन नहीं था तो उन्होंने मुझे पूरी बॉटल में से कुछ क्वान्टिटी निकाल के दी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाज क्रीम जो कि हर किसी के फेशियल किट में मौजूद होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ 1 ड्रॉप की क्वांटिटी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्किन पॉलिशर जो कि किसी भी स्किन फेशियल किट में जो है वो मौजूद होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी मौजूद नहीं है तो इसको स्किप कर दें। इसकी जगह पे आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं जो कि सबके पास मौजूद है और बड़ी आसानी से सबके घर में अवेलेबल होता है। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स का मैं कर लूँगी मिक्स और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी ग्रेन ना रह जाए। अगर पार्टिकल्स रह जाएंगे पाउडर के तो वो आपको फिर बहुत ज़्यादा जलन करेंगे। अगर तो आपके पास इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में से कोई भी इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है तो सिर्फ इसको इतना करें कि जो आपके पास नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे आप डाइल्यूट कर लें, मतलब पानी की जो है वो क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा कर दें ताकि ये थोड़ी सी थिन सी जो है वो आपके पास ब्लीच क्रीम बन जाए। उससे होता ये है कि वो थोड़ा सा जलन कम करती है तो उसको बेयरेबल होता है लगाना, अप्लाई करना। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ उसको टेस्ट करके, जहाँ पे मेरे थोड़े से थिक बाल हैं वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी और थोड़ी थिक क्वान्टिटी में करूँगी क्योंकि हाथ का बाल कंपेरेटिवली थोड़ा मोटा होता है, इस वजह से इसको थोड़ा देर भी लगती है और थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ता है ताकि हम इसको रिजल्ट्स को अच्छे से कंपेयर कर सकें और देख सकें। तो यहाँ मैं इसको अप्लाई करके 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी और देखूंगी कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। वाइप से आप इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं या डायरेक्टली रिंस ऑफ कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। ऊपर वाले बाल जो कि मेरे काफ़ी ब्लैक थे, थिक थे, उनको इसने काफ़ी हद तक, ऑल्दो कि ये एक हाथ के बाल हैं जो कि काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन फिर भी इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मेरी तरफ से ये एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही कम वक्त में आपके बालों को प्रॉपरली डाई कर देती है और कोई भी इचिंग, कोई भी बर्निंग, ऐसी कोई सेंसेशन आपको फील नहीं होती। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी।